इलाका हम लोग 38 जगहों पे लगाएंगे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, और हमारा FST है फ्लाइंग स्क्वाड। जैसे कहीं से कोई कंप्लेन आया तो हमारी टीम तुरंत रश करेगी, जहां हमारा नाका नहीं है तो ये मोबाइल टीम रहेगी, वो कुल 41 जगहों पे रहेगा। सी विजिल एक एप्लीकेशन है जिसमें कि कहीं कोई ऐसी बात चल रही है और निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है उसे इधर चल रहा है, जो मॉडल कोड ऑफ कोर्ट का वायोलेशन हो रहा है, तो उसके लिए सी विजिल से व्यक्ति वहाँ मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि वो जियो लोकेशन भी देता है, तो हमारी टीम वहाँ पे तुरंत पहुँच करके 100 मिनट्स के अंदर पहुँच कर उसको दुरुस्त कराती है। लेकिन ये एक आग्रह मैं करूँगा कि कभी भी गलत अपलोड नहीं करें, क्योंकि सारा डेटाबेस हमारे पास रहता है, तो उसमें फिर असुविधा होगी और हम लोगों को यदि कोई ऐसा तत्व है जो गलत करने का प्रयास करता है तो हम लोग उसको अलग स्तर से देखेंगे। जिला स्तर पर निर्वाचन से संबंधित अलग अलग कार्य के लिए पर्यवेक्षण हेतु कोषांग गठित है, आज भी मैंने उसकी समीक्षा किया है और 3 दिन पहले भी समीक्षा किया है। नाम निर्देशन कोषांग भी गठित है, जो जिला पदाधिकारी के जो कोर्ट रूम है वहीं पे नाम निर्देशन होगा, और उसके बाहर हम लोग सुविधा मुहैया करा रहे हैं ताकि किन्हीं को कोई असुविधा नहीं हो। नाम निर्देशन कोषांग के बाहर अभ्यर्थियों के सहयोग के लिए हम लोग डेस्क भी रखेंगे। अभी पूरे जिले में 144 धारा लागू है, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यदि कहीं मूव कर रहे हैं तो वो इसका ख्याल रखेंगे, वो एक साथ मूव नहीं कर सकते हैं, और यहाँ भी नाम निर्देशन में भी एक निश्चित संख्या में ही लोगों को यहाँ आना है। वाहनों का काफिला सारा बाहर रहेगा और वाहनों का काफिला पर भी रोक लगी हुई है कि एक बार में यदि कोई वाहनों का काफिला लेकर चलना चाहते हैं एक साथ में अधिकतम 10 ही गाड़ी का काफिला चल सकता है, फिर 100 मीटर का गैप होगा, फिर 5 गाड़ी, फिर इस तरीके से उनको पालन करना पड़ेगा। हमारे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण है, वो भी 1 अप्रैल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो पहला चरण होगा प्रशिक्षण का, फिर दूसरा चरण भी हम लोग 13 अप्रैल से शुरू करेंगे। और इस प्रकार से हम लोगों ने विधि व्यवस्था के लिए सेक्टर की संख्या 262 है ही, अभी 16 दिन 24 से 24 दिन 24 के बीच में कुल 28 और 38 लीटर शराब को भी जब्त किया गया है, और जो है आर्म्स एक्ट भी काफ़ी संख्या में हम लोगों ने जमा कराया, 532 आर्म्स को जमा कराया है और 37 को रद्द किया है और 3 को हम लोगों ने जब्त भी किया है। बाउंड डाउन अक्टूबर से लेकर के अभी तक कुल 16,522 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव था, जिसमें कि 8,334 लोगों को बर्न डाउन भी कराया गया है और कई लोगों को जो वल्नरेबिलिटी पैदा कर सकते हैं बूथ पे हम लोगों ने चिन्हित किया है, उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। CCA का प्रस्ताव भी मेरे पास काफ़ी संख्या में है, 100 से अधिक संख्या में है, जिसमें से मैक्सिमम में हम लोगों ने आदेश पारित कर दिया है और जो लोग भी अपराधी हैं उनको जाकर के संबंधित थाने में हाजिरी लगानी है। यदि वो संबंधित थाने में हाजिरी लगाने से चूकते हैं तो सीधा उनको गिरफ्तार करके फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में थाना का प्रभारी का दायित्व होगा कि उसको प्रोड्यूस करें, फिर उनको हम जेल भेजना होगा, जेल भेजेंगे या जिस तरीके से भी फर्दर कार्रवाई करनी होगी फर्दर भी हम कार्रवाई उसमें करेंगे। और जो नाका है लगाया गया है वो इंटर स्टेट नाका 27 है और इंट्रा स्टेट जो नाका है मतलब स्टेट में ही हम लोग 9 जगह पे लगा रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग सभी मेरी टीम SSP साहब एवं उनकी पूरी टीम और साथ ही हमारे समस्त अधिकारीगण एकजुट होकर के काफ़ी बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस भागलपुर की जनता पूरे उत्साह के साथ 26 अप्रैल को वोट करेगी। मैं आपसे अपील करता हूँ कि वोट उनकी ताकत है और वो अपनी ताकत का एहसास करें और 26 अप्रैल को जितने भी वोटर्स हैं सभी वोटर्स घर से बाहर निकलें, मतदान केंद्र मैक्सिमम 2 किलोमीटर की दूरी में है और वो मतदान केंद्र पर जाएं, मतदान केंद्र पर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि मूलभूत सुविधाएं रोशनी की सुविधा है, पानी है, शौचालय है, बिजली है, पंखा है, इन चीज़ों की सुविधाएँ हम जहाँ ज़रूरत है वहाँ शेड की भी सुविधा हम रखेंगे, शेड भी सेडेड है, कई जगह पेड़ पौधे हैं तो उसको शेड मानते हैं वो भी रखेंगे, उनको मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन इस लोकतंत्र के महापर्व में वो घर से बाहर निकल करके सभी लोग वोट करें, यही आप सभी लोगों सभी वोटर से मेरी गुजारिश है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद समस्त चीज़ों के बारे में बताया, मुख्य रूप से जो चुनाव को
फ्री और फेयर इलेक्शन को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके विषय में मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि भागलपुर पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई पिछले 2 माह से चल रही है और चुनाव की जो अधिसूचना जो चुनाव की तिथियां जब अनाउंस हुई थी तब से लेके आज तक कुल 9 अवैध हथियारों की जब्ती हुई है और 90 कारतूस की बरामदगी हुई है और पिछले माह भी लगभग 50 के करीब अवैध हथियारों की बरामदगी हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद अर्थात 16 मार्च के बाद पिछले 12 दिनों में भागलपुर पुलिस के द्वारा कुल 2300 लीटर शराब की बरामदगी हुई है और 97 कारोबारियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। 243 वारंटों का निष्पादन सुनिश्चित किया गया है और इसके साथ ही साथ जो चुनाव को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक होता है कैश तो 3,69,000 रुपये की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई है और 1,500 से ज़्यादा व्यक्तियों को बॉन्ड डाउन पिछले 12 दिनों में कराया गया है और 1 किलो 180 ग्राम गांजा और 10 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है। 256 व्यक्तियों की गिरफ्तारी पिछले 12 दिनों में सुनिश्चित की गई है जिसमें कि 41 जो मुख्य शीर्ष है हत्या लूट डकैती इत्यादि शीर्षों में बड़ी गिरफ्तारी 41 लोगों की सुनिश्चित की गई है और इसमें एक टॉप 10 जो सनीचर मंडल है औद्योगिक थाना परिक्षेत्र का वांछित था उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा पूरे चुनाव को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और हम लोग इस बात के लिए तत्पर हैं जो चुनाव पूरी तरीके से पारदर्शी हो और कोई भी किसी को रोके नहीं टोके नहीं सभी लोग अपने भयमुक्त वातावरण में जाके बूथ पर अपना